जय माता दी सबको। तो जैसे कि आपको पता ही भी आज अपनी ट्रिप का दूसरा दिन है, तो अभी हम खड़े हैं भी किश्तवाड़ में। आज हम आपको राइड करवाने वाले हैं किश्तवाड़ टू पाडर तक की। बाकी मोरनी अपनी रेडी हो चुकी है, अभी स्टार्ट कर दी है हमने। बाकी जो अपने माता रानी के भगत हैं वो चाय वगैरह पी रहे हैं, चाय पीने के बाद निकलते हैं यहाँ से। बाकी ये यहाँ का लंगर, यहाँ पे अपनी आज नाइट स्टे थी, यही किश्तवाड़ से 1 किलोमीटर पहले जो लंगर है यहाँ पे हम रुके हुए थे। बाकी अपने यात्रु चाय वगैरह यहाँ पे पी रहे हैं एंड चाय पीने के बाद निकलते हैं यहाँ से। तो हम भी चलते हैं अभी लंगर में, पीते हैं चाय एंड उसके बाद निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। ये अपनी बस है, अभी रेडी हो चुकी है जाने के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाकी भाई चलते हैं लंगर में, चाय वगैरह पीते हैं। जय माता दी भैया, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये आ गई अपनी स्टडी, यहाँ पे रुकी हुई थी स्टडी, तो आ गई है स्टडी। अब बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं इसके बाद यहाँ से आगे के लिए, करते हैं आगे का सफर स्टार्ट। जय माता। हम भी आए थे मंदिर भाई, मत्था वगैरह टेक लिया यहाँ पे मंदिर के अंदर और निकलते हैं भाई यहाँ से आगे के लिए। ये यहाँ पे लंगर लगा हुआ, यहाँ पे अपना नाइट स्टे था आज रात का, तो अभी सुबह हो चुकी है तो हम निकल पड़े भाई यहाँ से जय माता दी करके चलते हैं। तो चाय वगैरह लाई हुई हमने, चाय पी के तो निकलते हैं भाई यहाँ से। कैसी बनी है चाय? चाय एकदम बढ़िया भाई, चाय वगैरह पी ली। बाकी मौसम कैसा है यहाँ का? मौसम भी काफ़ी अच्छा भाई यहाँ का। बाकी गाड़ियाँ अपनी सामने खड़ी है रेडी हो चुकी जाने के लिए। कितने बजे तक पहुँच जाएंगे हम यहाँ से पाडर? पाडर तक लग जाएगा कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। 65 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन रोड काफ़ी टफ है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो दर्शन करने जाओगे आप? दर्शन करने जाएंगे तो आ जाओगे या कल? कल जाएंगे, आज हम वहाँ पे पहुँचेंगे, गाड़ी वगैरह करेंगे अपनी साइड पे, कहीं जगह देखेंगे गाड़ी लगाने के लिए एंड उसके बाद कल निकलेंगे। ठीक है, जय माता दी, जय माता दी। भाई अपना निकलने का टाइम आ गया, यहाँ से निकलते हैं यहाँ से माता रानी का जयकारा ला के सबको जय माता दी। तो गाइस किश्तवाड़ से निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे जहां पे अपनी गाड़ी रुक चुकी है 5 मिनट। तो बाकी बंदे बीच में डांस वगैरह कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। तो दोस्तों ये वही जगह है जब हम इसके पहले टूर लेके आए थे चिट्टो माँ के दरबार में आ रहे थे, तो यहाँ पे रास्ता बंद हो चुका था, तो हमारी गाड़ियाँ इस पसी के पीछे ही खड़ी थी। तो इस बार भाई रास्ता खुला हुआ है, तो हम जा रहे हैं सीधा माता रानी के दरबार माँ पाडर तक। तो भाई यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब है, कोई भाई अगर आता हो तो प्लीज़ भाई थोड़ा आराम से आइएगा। बाकी सबको मेरी तरफ से जय माता दी।
भाई किश्तवाड़ से चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे, अपनी गाड़ी खड़ी हो चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगी अपनी 10 मिनट की ब्रेक। बाकी ये हमारे साथ भाई लोग भैया, जय माता दी, क्या नाम है आपका? वंश। कैसा रहा किश्तवाड़ से यहाँ तक का सफ़र आपका? अच्छा। मज़ा आया बस में? बहुत मज़ा आया। कुछ ये भाई भी हैं भैया, जय माता दी, कैसे भैया? कैसा सफ़र रहा आपका? मज़ा आया बस में बैठ के? तो भाई बाकी ये अपनी बस खड़ी है सामने, पैसेंजर अपने सारे बाहर निकले हुए हैं। भैया जय माता दी। तो भैया अब पैदल यात्रा कब स्टार्ट करोगे अब यहाँ से आप? आज ही कर लोगे? तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से गुलाबगढ़ तक का? गुलाबगढ़ पहुंचने में कितना टाइम? एक घंटा। तो भाई अभी हमें एक घंटे का सफ़र हमारा बाकी है। बाकी गाड़ी अपनी खड़ी है सामने, पैसेंजर अपने सब उतरे हुए हैं। भैया जय माता दी। बाकी ये देख सकते हैं भाई अपनी मोरनी की बैग। यहाँ पे आए थे हम नहाने के लिए। बाकी झरना देख सकते हो कितना खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, तो भाई हम भी ब्रश करके नहा लेते हैं। यहाँ पे पानी देख सकते हो कितना खूबसूरत है यहाँ का। बाकी सो भाई यहाँ पे हमने नहा लिया, काफी मजा आया यहाँ पे भाई। यहाँ का झरना देख सकते हो, यहाँ पे हमने नहाया तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे भी, काफ़ी ठंडा पानी था यहाँ का। बाकी ये हमारे वजीर साहब, जय माता जी। तो फ्रेश हो लिया, नहा लिया, तो भाई चलते हैं भाई बस के पास और निकलते हैं भाई यहाँ से। तो भाई नहाने के बाद चल रहे हैं हम अपनी गाड़ी के। आए कैसे भैया? जय माता दी। ये भाई हमारे पैसेंजर थे, ये भी जा रहे हैं घूमने, टैल घूम रहे हैं यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं अभी अपनी बस के पास, चलते हैं बस के पास। तो रेस्ट करके निकले थे, नहा धो के निकल पड़े। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं अपने गुलाबगढ़ से 4-5 किलोमीटर पीछे, तत्ता पानी जगह का नाम है। तो अभी हम पहुँचे हैं वहाँ पर, तो यहाँ से 15 से 20 मिनट हमें लगने वाले हैं गुलाबगढ़ तक। तो आइए भाई, बाकी ये नज़ारा देख सकते हो गुलाबगढ़ का, काफ़ी खूबसूरत हरियाली ही हरियाली हर तरफ, और सुंदर पहाड़, सुंदर आगे पीछे हरियाली, खाली रोड पड़ा हुआ, गाड़ी आगे पीछे कोई चल नहीं रही है। चल रहे हैं अभी, कर रहे हैं धीरे धीरे कंटिन्यू सफ़र अपना। बाकी ये आगे बसें 2-3 खड़ी हैं, ये भी यात्रा लेके आई हुई हैं ये यहाँ पे। तो भाई अपनी मोरनी ये सामने खड़ी हो चुकी है फिर से, एक और यहाँ पे लंगर आ चुका था, तो अपने पैसेंजर चले गए लंगर खाने के लिए। एंड अभी हमारा सफ़र बच चुका है भाई, ये रहा सामने गुलाबगढ़, ये है भाई गुलाबगढ़। बस 1 से 2 किलोमीटर अपना सफ़र बच चुका था, उसके बाद भाई वहाँ पे हमें जाना है सामने। तो यहाँ पे चल के फिर करेंगे ये हमारे माता रानी के भगत जो है, करेंगे यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट। बाकी भाई ये रहा यहाँ का व्यू, गाड़ी अपनी गुलाबगढ़ पहुँच चुकी है, खड़ी अभी अपनी मोरनी। तो ये सामने रहा लंगर, तो चलते हैं भाई लंगर में। आ जाओ आ जाओ,
आप कितनी बार खाते हो यार लंगर आया? अभी आप भाई पहली बार, दिन के 10 बज रहे हैं सुबह के, पहली बार, तीसरी बार हो गया लंगर में यार, क्या करेंगे भाई, इतना लंगर जाता कहाँ है वो। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं पाटर गुलाबगढ़, ये रहा भाई गुलाबगढ़ का लास्ट वाला पुल, तो इस पुल को क्रॉस करके हम फाइनली पहुंच जाएंगे गुलाबगढ़। तो ये कर दिया भाई हमने पुल क्रॉस, पुल क्रॉस करने के बाद आगे आएगा एक छोटा सा मंदिर, दिखाते हैं आपको। यार ये आ गया भाई, ये आ गया छोटा सा मंदिर, तो मंदिर को क्रॉस करके मत्था वगैरह टेक के, ये नाका भी है यहाँ पे, एक पुलिस का नाका रहता है यहाँ, इसको क्रॉस करके अभी हम फाइनली पहुँचने ही वाले हैं अपने लास्ट स्टॉप पे। यहाँ पे हम अपने पैसेंजर हैं इनको करेंगे ड्रॉप। तो फाइनली गाइज अपनी गाड़ी पहुँच चुकी है गुलाबगढ़, अपने पैसेंजर सब उतर रहे हैं, ये देख सकते हो अपनी गाड़ी हो गई अब खाली। तो भाई हम लगाते हैं हम गाड़ी वगैरह साइड पर, आज का स्टे अपना यहीं पे है, अपने पैसेंजर जो है वो ये सारे निकल जाएंगे यहाँ से ऊपर के लिए, तो हम जाएंगे भाई यहाँ से कल। बाकी ये अपने छोटे से ब्लॉगर भाई, तो भाई जा रहे हो बस, हम कल चलेंगे रास्ते में। कैसा लगा रास्ते में सफ़र वगैरह, कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, क्या बोल रहे हो दोबारा बोलना, क्या बोला दोबारा बोलना? बोल रही हूँ जो भी गाड़ी करेगा इनकी करना, मोर नहीं है पर मोर ने दिवाली बड़ा कर दिया। थैंक यू। तो भाई बस अपनी हो रही है खाली, सारे पैसेंजर अब जा रहे हैं, ये देख सकते हो अपना सामान वगैरह कर रहे हैं पैक और निकल रहे हैं यहाँ से। तो जय माता दी। दोस्तों अपनी मोरनी पहुंच चुके हैं गुलाबगढ़, बाकी ये रहा गुलाबगढ़ का व्यू, मोरनी अपनी सामने खड़ी है, खाली हो चुकी है, जो भी हम पैसेंजर से सब उतर चुके हैं वो अब यहाँ से लेंगे छोटी गाड़ी, तो छोटी गाड़ी में निकलेंगे यहाँ से आगे। बाकी बस अपनी यहीं तक थी, तो बस अपने स्टॉप पर पहुँच चुकी है, तो हम भी कर रहे हैं तैयारी पर ऊपर जाने की, हम यहाँ से निकलेंगे कल, क्योंकि आज लगाते हैं गाड़ी वगैरह कहीं साइड पे अच्छी जगह जहाँ पे मिलेगी, क्योंकि हम दोनों ऊपर जाएंगे तो गाड़ी के पास कोई भी नहीं रहेगा, जगह आप सेफली देखेंगे जहाँ पे सेफ जगह होगी वहीं पे लगाते हैं गाड़ी। बाकी यहाँ पे भाई हेलीकॉप्टर की सुविधा भी, ये देख सकते हो सामने हेलीकॉप्टर सीधा माता रानी के दरबार में जब तक जा रहा है, ये रहा यहाँ का व्यू। तो भाई एक बार हम आप अपनी मोरनी आपको अंदर से विजिट करवाते हैं, मोरनी अपनी खाली हो चुकी है भाई, ये देख सकते हो ये सामने मोरनी की लुक। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी लगाते हैं कहीं साइड पे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रुकने नहीं दे रहे हैं, तो हम लगाएंगे यहाँ से ऊपर कहीं जाल चल के 1-2 किलोमीटर ऊपर जाके लगाते हैं गाड़ी साइड पे, यहाँ पे पार्किंग होगी तो चलते हैं। बाकी ये यहाँ का व्यू देख सकते हो कितना खूबसूरत। तो भाई अभी हम पहुंचे थे गुलाबगढ़ में, यहाँ पे हमें मिल चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर भाई, तो भाई से करते हैं बात। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल। साहिल, तो कब से हमारे ब्लॉग वगैरह देखते हो आप? एक साल से देखते हैं। अरे साल से देख रहे हो, कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। तो भाई ये हम पहुंचे थे गुलाबगढ़ में, ये गुलाबगढ़ में हमें मिल चुके हैं यहाँ पे, यहीं के ये रहने वाले हैं, तो बाकी इनसे बात वगैरह करते हैं कि कहाँ पे इनका घर है, क्या करते हैं। तो भैया आप क्या करते हो? मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ। अच्छा कॉलेज में पढ़ रहे हो अभी? चलो ठीक है भाई, काफ़ी मेहनत करो। तो बाकी भाई दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू। बाकी भाई ये हमारी गाड़ी अंदर से साफ़ सफाई कर रहे थे, तो साफ़ सफाई करने के बाद गाड़ी अपनी हो चुकी है ओके, ये देख सकते हो। बाकी ये हमारे भाई हमसे मिलने के लिए आए हैं भाई गुलाबगढ़ से, 3-4 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक। तो भाई कैसे लगते हैं अपने ब्लॉग? अच्छे लगते हैं। गाड़ी हमारी कैसी है? बहुत अच्छी है। तो आते रहते हैं भाई, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम।
दोस्तों शाम हो चुकी है, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। तो दिन को काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे, लेकिन अभी मौसम बहुत ही मस्त मौसम है यहाँ पे। बाकी भाई वो यहाँ का हेलीपैड आपको दिखाते हैं, अपने कैमरा मैन को कहेंगे भाई सामने का दिखाना। सामने भाई हेलीपैड, किसी भाई को अगर हेलीकॉप्टर की सुविधा लेनी है तो यहाँ से ले सकता है। टिकट वगैरह हैंड टू हैंड मिल रही है, रश काफ़ी कम है। बाकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन में पूरी, अपनी जितनी भी जम्मू की बसें आई हुई हैं तो सब यहीं पे लाइन में लगी हुई हैं। और अपनी फर्म की जो बसें हैं, अंश फर्म की, वो भी दिखाते हैं आपको भाई। 5 से 10 बसें हमारी भी आई हुई हैं, अपनी मोटी में इधर खड़ी है। और बाकी ये काफ़ी बसें आगे भी दिखाते हैं आप। हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, आगे तक जाएंगे, राउंड लगा के आते हैं वापस। एक अपने आगे ये बस खड़ी है, ये भी अपनी फर्म की है। ये भी ये हमसे एक दिन पहले की आई हुई है, यहाँ पे ये लगी है। बाकी ये 2-3 ये भी अपनी फर्म की है। वही चलते हैं आगे। तो भाई ये बस भी जम्मू से आई है अभी अभी, ये देख सकते हो, ये भी अपनी फर्म की बस है। ये भी पहुँच चुकी है बॉर्डर गुलाबगढ़ में, और इसके पीछे एक और लगी है। ये भी अपनी फर्म की बस है, ये भी अभी अभी आई है। तो हम तो पहुंचे थे भाई सुबह, ये बसें अभी चल के आई हैं। तो चलते हैं इनके उस्ताद जी से करते हैं बात, ये कब चले थे, रात को कहां रुके थे। एक और सामने अपनी बस खड़ी है, ये सामने ये देख सकते हो, ये 3 बसें अभी अभी चल के आई हैं अपनी फर्म की। ये हमारे बंटू भाई आ चुके हैं आगे से मोटर ले कर। तो भी जैसे कि आपको हमने अपनी गाड़ियां सारी दिखाई यहाँ पे, जितनी भी गाड़ियां अपनी आई हुई हैं, तो गाड़ियां कुछ आगे लगी हैं। तो हमने आए थे अपनी बस में मत्था वगैरह टेक लिया, माता रानी को मत्था वगैरह टेक लिया। एंड आगे वाली गाड़ी में अपना बन रहा है खाना, तो चलते हैं हम खाना वगैरह खाते हैं। एंड उसके बाद मॉर्निंग में हमें निकलना है माता रानी के दरबार। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, आपको माता रानी के लाइव दर्शन करवाएंगे कल हम। सो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, तब तक के लिए जय माता दी सबको। तो जो भाई मचेल नहीं आए तो प्लीज़ भाई एक बार जरूर आना, माता रानी के दरबार में मत्था टेकने के लिए जरूर आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।